हे ऑलराइट गाइस, सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपने फेस को कैसे व्हाइट कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो, हेयर को एडिट कर सकते हो एंड इतना कुछ होने के बाद भी आप अपनी फोटो को फुल एचडी में कैसे सेव कर सकते हो। तो गाइस वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो मैं ऐसी वीडियो बहुत ही कम बनाता हूं जिसमें आपको सब कुछ एक साथ बताया है, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि ये हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो अच्छी है या नहीं है। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आगे ऐसी वीडियो और ज्यादा देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा लीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या एडिट्स। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी फोटो को पिक्सआर्ट ऐप के अंदर ओपन कर लेना है, अपनी नॉर्मल फोटो को, ठीक है। तो आपको फोटो को क्लिक कराना है कुछ ऐसे एरिया, मतलब कुछ ऐसे प्लेस पे जहाँ पे कुछ ऐसा हो, मतलब ग्रीन टाइप का ऐसा पेड़ पौधे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको टूल्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जाना होगा एडजस्ट वाले टूल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, आपको सिंपली एडजस्ट के अंदर जाना है, ठीक है। तो हम यहाँ से एडजस्ट पे क्लिक कर देते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे पहला काम आता है आपका सेचुरेशन को बढ़ाने का, ठीक है। तो यहाँ पे ये रही सेचुरेशन फोर्थ नंबर पे, इसकी अमाउंट को हम पूरा बढ़ा देंगे, ठीक है। आप यहाँ से थोड़ा सा कम भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्लैरिटी को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे, लगभग अराउंड 10 के अराउंड आपको बढ़ा लेना है, और साथ ही कॉन्ट्रास्ट को भी आपको बढ़ा लेना है लगभग 20 या 25 के अराउंड। उसके बाद आपको यहाँ से इरेजर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इरेज का एक ऑप्शन मिलेगा, इरेज को सिलेक्ट कर लेना है। अपनी फोटो को जूम कीजिए और कुछ इस तरीके से आपको अपनी हैंड से और फेस से इरेज कर देना है। तो ये आप देख पा रहे हो कि जैसे मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर रेड रेड जो हैंड पे बना हुआ है ये सारा हट रहा है। तो वैसे भी आपको फेस पे भी मतलब ये चला देना है ताकि आपका फेस भी वाइट हो जाए। तो मैं फेस पे जल्दी जल्दी से चला लेता हूँ। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको अपने फेस पे और हैंड पे चला देना है, इससे आपकी फेस और हैंड वाइट दिखेगी, ठीक है। तो इतना काम खत्म होता है गाइस। इतना हो जाने के बाद आपको एक और काम करना है, वो यहाँ पे हाईलाइट्स को कम करना है। तो हाईलाइट्स को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं बिकॉज बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट्स थी। यहाँ से आपको डन कर देना है। तो अब आप लोग देख पा रहे हैं हमारी फोटो में जो है लाइट की एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से इफेक्ट्स पे क्लिक करना है, यानी कि इफेक्ट्स पे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारी इफेक्ट्स की कैटेगरी मिलेगी, आपको कलर्स में जाना है। कलर्स सबसे आपको अंतिम में यानी कि सबसे लास्ट में मिलेगा। तो ये रही कलर्स, हम कलर्स पे क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कलर रिप्लेस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है जो कि आपको थर्ड नंबर पर मिलेगी। उसके बाद आपको ये प्लस का आइकॉन जो ब्लैक कलर का नजर आए इसे आपको अपनी बैकग्राउंड के किसी एक जगह पर इस तरह से रख देना है, ठीक है। जब आपकी फोटो में अगर बैकग्राउंड ग्रीन कलर का हो तो आप मतलब पेड़ पौधे हो तो आप ग्रीन वाले जगह पे ही रखना। उसके बाद यहाँ रिप्लेस ह्यू की मदद से आप इसकी बैकग्राउंड के कलर को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो भी कलर सबसे ज़्यादा अच्छा लगे वो आप रख सकते हो, अपनी फोटो के हिसाब से रखना, ऐसे ही कोई भी कलर मत उठा लेना। तो क्या जिस फोटो में ये वाला कलर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, हालांकि इस फोटो के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बनाया है मतलब मूडी रेड वाला एडिटिंग का, जिसपे आप लोगों का काफ़ी अच्छा खासा प्यार मिला है। तो इस वीडियो में हम आपको ये वाला कलर सिखा रहे हैं, तो ये वाला करके आपको सिंपली डन कर देना है। जो आपको कलर अच्छा लगे आप रिप्लेस यू को लेफ्ट राइट करके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको टूल्स पे क्लिक कर देना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको अगेन एडजस्ट के अंदर ही जाना है। एडजस्ट के अंदर आने के बाद इस बार आपको क्या करना है, सेचुरेशन को सिलेक्ट करना है और इसकी अमाउंट को इस बार कम कर देना है क्योंकि इस बार हम अपनी फेस को वाइट करेंगे, और ब्राइटनेस को बढ़ा देना है। तो आपको पता है गाइस कि हमारे फेस पे अगर रेड रेड कलर का कुछ हो तो सेचुरेशन को कम कर देने से वो नहीं दिखता है, तो आपको ऐसे कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से सेचुरेशन को आप जितना कम करेंगे आपकी फेस पे जितने भी कोई कलर का इफेक्ट होगा, रेड होगा, तो वो सारा हट जाए, मतलब नहीं दिखेगा। तो अब आपको इरेजर को सिलेक्ट कर लेना है यहाँ से और इन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इन्वर्ट कर देने के बाद इसे सिर्फ आपको अपनी फेस पे और हैंड पे ही अप्लाई करना है, ठीक है, ना कि अपने टी शर्ट पे लगा दो उसके बाद बैकग्राउंड पे, ऐसा मत करना। तो सिर्फ आपको इसे आपको अपनी फेस पे इस तरीके से पेंट कर देना है, मतलब फेस पे चला देना है, इससे आपकी फेस वाइट हो जाएगी। तो यहाँ से हम अपनी पूरे फेस पे हैंड पे चला देते हैं जल्दी जल्दी से। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको चला देना है, इससे आपकी फेस और हैंड जो है वाइट हो जाएगी। तो बैकग्राउंड के लिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया, और यहाँ से इसमें भी आपको हाइलाइट्स को थोड़ा सा कम करना है क्योंकि बैकग्राउंड पूरी फोटोज़ में हाइलाइट्स बहुत ही ज़्यादा थी। तो क्लिक करते टाइम ये सब आप ध्यान रखना अपनी फ़ोटोज़ में हाइलाइट्स वगैरह को मिलाकर। तो गाइस यहाँ पे इतना काम खत्म होता है आपका, और अब यहाँ पे पिक्सआर्ट ऐप के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ से ड्रॉ टूल के अंदर चलते हैं, आपको बताते हैं फोटो को फुल एचडी में कैसे आप सेव करोगे। यहाँ से आपको ड्रॉ पे क्लिक कर देना है, और फुल एचडी में सेव करने का सिर्फ एक यही तरीका है गाइस, ध्यान से देख लीजिए और अपनी फोटो की क्वालिटी एक बार जाकर जरूर देखिएगा। आपको सबसे पहले लेयर पर क्लिक कर देना है,
लेयर पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ से आपको थ्री डॉट के आइकॉन पे क्लिक करना है और यहाँ से एक एम्प्टी लेयर होगा उसके आपको मर्ज कर देना है। देखिए वो एम्प्टी लेयर बना हुआ है, इसे हमने मर्ज कर दिया। मर्ज कर देने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक इरेजर का ऑप्शन मिलता है, इरेजर को सिलेक्ट कीजिए और इसकी साइज वगैरह को आपको साइज और ओपासिटी जो आपको दिख रही है इसे आपको 1% कर देना है। ठीक है, तो हम इसकी साइज को 1% करके रखे हैं और ये इसकी ओपासिटी को जो 1% हम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1% कर देने के बाद आपको कुछ इस तरीके से अपनी बैकग्राउंड पे कहीं भी दो चार बार ड्रॉ कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ थ्री डॉट के आइकॉन पे क्लिक करना है और यहाँ सेव इमेज का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है, आपकी फोटो आपकी गैलरी में फुल HD में सेव हो जाएगी। तो गाइस अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप जाकर क्वालिटी देखना है एक बार, आपको पता चल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे गाइस हमारी फोटो फुल HD में सेव हो चुकी है। अब इसी फोटो को हम ओपन करेंगे ऑटो डेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर, इसमें हम अपनी हेयर को एडिट करेंगे, मतलब हेयर स्टाइल बनाएंगे। तो ये रही गई हमारी फोटो, सिंपली यहाँ से हम सेंड यानी कि शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और इस फोटो को अब हम ओपन कर लेंगे ऑटो डेस्क स्केचबुक ऐप के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो गाइस इस ऐप के अंदर हम अपने हेयर को एडिट करेंगे। हेयर को एडिट करना बहुत सिंपल है, आपको ये थर्ड नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्मार्ट्स वाले कैटेगरी के अंदर आ जाना है। यहाँ पे आपको ब्रशेज की बहुत सारी कैटेगरी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्मार्ट्स जो लिखा है वो इस पर आपको क्लिक कर देना है। सिंपली इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको ये थर्ड नंबर वाला जो मतलब यहाँ पे आपको जो ब्रश मिल रहा है लास्ट से थर्ड नंबर, ये वाला ब्रश आपको सेलेक्ट कर लेना है और इसकी सेटिंग को देख लीजिए, आपको सेटिंग सेम ही रखना है। ठीक है, तो सेटिंग मैं आपको बोल कर बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको फ्लो को 20 रखना है और स्ट्रेंथ को 21 रखना है और बाकी साइज को अपने हिसाब से सेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरीके से फोटो को जूम कीजिए और इस तरीके से आपको अपने हेयर पे इस तरीके ऊपर मतलब जैसा आपको अपने फोटो में हेयर स्टाइल बनाना हो उस तरीके से आपको ऊपर की ओर खींचना है। ठीक है, तो देखिए हम थोड़ा सा धीरे धीरे कर रहे हैं तो बहुत ऐसे ज़्यादा समय लग जाएगा, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ और आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, आप बस देखते रहिए। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपको अपने हेयर को एडिट करना है, बहुत सिंपल है और मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया तो इससे आपको लग रहा होगा मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं भी धीरे धीरे ही किया हूँ, आपको भी अपनी फ़ोटो में धीरे धीरे ही करना है। ठीक है, साइज को ज़्यादा मत बढ़ा लेना नहीं तो ख़राब हो जाएगी फ़ोटो। यहाँ से आपको थ्री लाइन वाले ऑप्शन जो फर्स्ट नंबर मिलते हैं इस पर क्लिक करेंगे, शेयर पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से सेव टू डिवाइस के एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके हम अपनी फ़ोटो को सेव कर लेंगे। तो गाइस इस तरीके से आपको अपनी फोटो को एडिट करना है, फुल HD में सेव करना है, हेयर को एडिट करना है, फेस को वाइट करना है, बैकग्राउंड कलर को चेंज करना, मतलब बहुत चीज़ हमने आपको इस वीडियो में बताया। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है गाइस, तो भाई के लिए एक लाइक तो कर ही सकते हो। तो गाइस फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द लौटते किसी नई वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।